अद्भुत झारखंड का अद्भुत नाला भी हम आप लोग को दिखाएंगे, वो भी NH 19 के बगल में। और ये नाला कहीं और नहीं, गिरिडीह जिला के डुमरी प्रखंड जो बोल सकते हैं उसी के समीप ये नाला है। और ये नाला में पानी जो है बाथरूम का हो वॉशरूम का हो ये नाला में आकर के यहाँ लॉक हो जाता है और यहाँ तालाब बनता है और यहाँ तालाब बनने के बाद इस घर में पानी घुसता है। ये समस्या है, ये जमीनी समस्या है इस जगह का। और यहाँ पे सबसे बड़ा NH 19 मार्ग है, ये देखिए NH 19 मार्ग जो देख सकते हैं आप, उसके बगल में इस तरह का महा घोटाला जो है नाला का आपको देखने को मिलेगा। और ये सारा पानी ये पूरा सड़क में जो है सो दौड़ता है। ये है झारखंड का अद्भुत नाला। ये रोड 4 साल 3 साल पहले बना है दादा जी, 16 में बना हुआ है, अभी तक जो है ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, क्या वजह है? वो सरकार का कमजोरी है, सरकार का कमजोरी है जी। हाँ, उन्होंने नाला तो बनवाने का दिया होगा पैसा। हाँ दिया है पैसा है, लेकिन लोग यहाँ पर जबरदस्ती करता है, बनाने नहीं देता है, लोग सब डर जाता है। क्या वजह रहा है नाला नहीं बनने दिया जाता, क्या वजह है? अपना अपना मान के मेरा घर का पास गढ़ा हो जाता है, इसे हो जाता है, उसे हो जाता है, ऐसे करके रोका हुआ है सबको, ऐसे करके रोका है। क्या वजह है इन नाला का? पानी रोक दिया है सब लोग। बनना चाहिए कि नहीं? नहीं बनना चाहिए। तो बनना कैसे बनेगा जब रोका हुआ है, तो बनेगा कैसे? बनेगा कैसे नहीं, बनाइएगा तो बनेगा कैसे नहीं, आप आदमी लगाइएगा तो बनेगा। किनके थ्रू ये काम हो रहा था? ये NH के द्वारा काम हो रहा था और यहाँ की जो सरकार है वो निकम्मी सरकार है। 4 साल NH का काम हो जाने के बाद अधूरा काम छोड़ के चला गया, लेकिन आज तक शुद्धि लेने के लिए आज तक कोई नहीं आया। और नाला जितना रोड का पानी है सभी के घरों में पानी घुस रहा है और तो सब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, अनाज बर्बाद हो रहा है, सोने नहीं लोग पा रहा है। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ NH से कि जितना जल्द हो सके ये नाला को पूर्ण किया जाए और जितना भी अधूरा है काम जो है NH का उसको भी पूरा किया जाए। इसके चलते यहाँ का पब्लिक त्राही त्राही कर रहा है, ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी अब जो आपका झारखंड सरकार का जो काम चल रहा है वो अधूरा काम चल रहा है, लूट खसोट का काम चल रहा है। और यहाँ का जो ठेकेदार है वो भी एक नंबर ठेकेदार जो है ठकने वाला ठेकेदार है, पैसा मोटा रकम ले लेने के बाद भी काम अच्छा से काम नहीं कर रहा है, उसके बाद अधूरा छोड़ देने के काम। अच्छा ये गलती किसका है, सिस्टम का है, सरकार का है, ठेकेदार का है, पब्लिक का है, किसका गलती है? ये गलती सरकार और ठेकेदार का और ये NH का भी गलती है जो अभी तक अधूरा छोड़ देने के कारण सारे पब्लिक के घर में पानी घुस रहा है और सभी लोग का अनाज बर्बाद हो रहा है, सभी लोग परेशानी भुगत रहे हैं। ये सरकार और NH 2 का और यहाँ की सरकार का कमी के कारण से ऐसा हो रहा है। इतना बड़ा NH 19 मार्ग जो है गुजरा है यहाँ से लेके कलकत्ता तक, यही गई है ना? हाँ। और उसके बगल में इस तरह का देख सकते हैं काम में भ्रष्टाचार बोल सकते हैं इसको, पैसा बचाने का चक्कर बोल सकते हैं इसको, तमाम तरीके के यहाँ हथकंडा अपनाया गया है। और ये पूरा ब्लॉक है जिसके वजह से तमाम पब्लिक को जो है पानी जो है सड़क में देखने को मिलता है और उसे कई सारा नुकसान भी है। इसमें वॉशरूम का पानी आता है, इसमें मैदान वाला पानी आता है, इसमें टॉयलेट वाला पानी आता है और वो पानी किसी के घर में घुसता है और किसी के पाँव में लगता है और फिर वो आदमी घर जाता है। कुल मिला के बोल सकते हैं ये भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है जो कि गिरिडीह जिला के डुमरी प्रखंड के कौन सा गांव पड़ता है ये? रांगा माटी, वो भी NH 19 के बगल में इस तरह का देख सकते हैं दृश्य है। बाकी क्या इस तरह के घोटाले से ये यहाँ से कितना कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम हमको लगता है 20 कदम होगा यहाँ से आगे तक। और 20 कदम में कितना बच गया आपका, 10 लाख 5 लाख, क्या करिएगा बचा के? जब NH 19 जैसी जगह पे किसी के घर में पानी घुस रहा है उसका पैसा कोई काम का नहीं होने वाला है, वो पैसा आपको कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। सही बोल रहे हैं? एकदम सही है सर, सही बोल रहे हैं, एकदम सही। ये बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। कब तक बनना चाहिए? एकदम 4 दिन के अंदर एकदम बना के कम्प्लीट किया। बारिश का जोर है सर, सबका घर में पानी घुस रहा है और गंदगी पानी बाथरूम का पानी सब घर में घुसता है, सबके घर में घुस रहा है। समस्या बस ये है कि ये नाला बन जाए जिसके वजह से काफी लोगों को परेशानी होता है। ये सारे के सारे घर में पानी जो है घुसता है, वो भी वॉशरूम का पानी, बाथरूम का जिसको बोलते हैं आप लोग, नहाने वाला, टॉयलेट करने वाला, पैखाना धोने वाला, सारा पानी घर में घुसता है। ये समस्या है, जमीनी समस्या है। कब तक आप लोग 5 लाख 10 लाख 50 लाख बचा के राजा बनिएगा? अरे सुधारा जाए महोदय इसको और संज्ञान में लिया जाए, यहाँ के तत्कालीन
जो ग्रामीण के मंत्री हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, आप लिखित कैबिनेट में भेजें इसको और दिया जाए, ताकि देखेंगे एनएच वाले क्यों घोटाला किए इस तरह का। बस मैं अपील करना चाहता हूँ आप तमाम लोगों से। और आप क्या चाहते हैं कि ये जो 20 कदम का नाला है चाहे 30 कदम का, वो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? और इस तरह के जो घोटाला होता है 20 कदम 30 कदम में, इससे आपको क्या मिल जाता है? अपनी राय जरूर रखें आप तमाम पब्लिक का। बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जोहार, नमस्कार।